नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, और अभी तक याद रखें सितंबर महीने का, जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। और याद रखिए, अभी तक जितनी भी आपकी क्लासें ली गई हैं उन सब के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, मंथली करंट अफेयर्स 2021 के नाम से। इसी प्लेलिस्ट सूची में आपको करंट अफेयर्स एक साल का पूरा मिल जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अक्टूबर 2021 के जो भी घटनाएं घटी इस अक्टूबर महीने में, इससे आपकी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप देखिए, आप भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हर परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस अच्छी खासी संख्या में आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, तो करंट अफेयर्स आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन क्लासों में केवल हम लोग करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर रहे हैं, स्टैटिक जीके को भी कवर किया जा रहा है, यानी कि इनका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चंस है तो इससे कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है उस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। खैर छोड़िए, देखिए आपका स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, और भी आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या सेंट्रल के कोई एग्जाम होते हैं, तो उन सब के लिए क्लास आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हर साल यानी कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाया जाता है? और आप सभी जानते हैं कि वृद्ध लोगों के साथ हमारे देश में या देश दुनिया में किस तरह का व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी क्या होना है, बूढ़ा होना है। समझ रहे हैं, तो एक वो कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी ना, कहते हैं कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकता है और पालने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन 10 बेटे होने, बच्चे होने के बाद भी एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। इसमें आपके सामने है एक 28 अक्टूबर, माफ करिए, 28 सितंबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, तो कब मनाया जाता है? इसके बारे में याद रखिए, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि जो बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक इस उद्देश्य मनाया जाता है। इस साल की अगर थीम की बात करें तो सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी इस बार की थीम रखी गई है आपकी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन की। ठीक है, ये आप लोग। और इसे मनाने की शुरुआत की बात हो तो 1990 में पहली बार ये मनाया गया था। कब? 1990 में। और 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया था, घोषणा हुई थी आपकी 1990 में। ठीक है, और ये निर्णय लिया गया था, ये आप लोग याद रखिए। और कहते हैं ना कि बुजुर्ग हमारे लिए ईश्वर का अवतार होते हैं, जिनकी आशीर्वाद से हमारा पालन पोषण होता है, हमें संस्कार मिलते हैं। और कहते हैं कि गूगल सब कुछ दे सकता है, लेकिन आप देखिए ऐसी कुछ चीजें होती हैं जैसे बुजुर्गों के से ही सीखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ए हॉकी से जुड़े थे, कबड्डी से जुड़े थे, बैडमिंटन से या टेनिस से, बताइए। तो इनका संबंध हॉकी से था। किससे था? हॉकी के खिलाड़ी थे। और इन्होंने 30 वर्ष के रुपिंदर ने भारत के लिए 223 मैच खेले। टोक्यो ओलंपिक में आप देखें 41 साल बाद पदक जीतने वाले भारतीय टीम के हिस्सा भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रसिद्ध व्यक्तित्व घनश्याम नायक का की मौत हो चुकी है या निधन हो गया है इनका, वह कौन थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? अभिनेता थे, कवि थे या लेखक थे, चित्रकार थे, बताइए। तो आपको बता दूं ये कौन थे, अभिनेता थे। और आपको बता दूं कि 2020-21 इस साल अभिनेताओं के लिए काफी बुरे रहे हैं, आपने देखा है कई अभिनेताओं की डेथ हुई है इसमें। तर्क मेहता का उल्टा चश्मा, सीरियल में नट्टू काका का कैंसर के कारण 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका असली नाम घनश्याम नायक था और नट्टू काका का जन्म 12 मई 1944 में हुआ था। वह 77 साल के थे और पिछले कई वर्षों से वो बीमार थे और कैंसर से भी जूझ रहे थे। आप लोगों ने तर्क मेहता का चश्मा तो देखा होगा, उल्टा चश्मा, उसमें आप लोग कक्कू नट्टू काका को तो जानते होंगे।
बाका को, तो उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अक्षय कुमार, कंगना रनौत, सोनू सूद, नीरज चोपड़ा, बताइए किसे बनाया है? कंगना रनौत को। और आप सभी जानते हैं कि काफी सपोर्टर मानी जाती हैं बीजेपी की कंगना रनौत। अगर आप लोग किसी का भक्ति करते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं, तो आपको वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि आपको पुरस्कार मिलेगा ही, उसका कंगना रनौत को मिल चुका है। लेकिन यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें और एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में बात करें, तो इसमें याद रखिए कि एक जिला एक उत्पाद योजना को यूपी सरकार ने यूपी के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की है। और इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दिल्ली की जो सत्ता है या गद्दी है, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखिए, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, सभी राज्यों में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप सभी जानते हैं 24 जनवरी 1950 को इसे राज्य बनाया गया था, और इसलिए आप देखते हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं, और 100 सीटें आपको विधान परिषद में देखने को मिलेगी, असेंबली में यानी कि विधानसभा में 403 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी SV सुनील और वीरेन लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ए हॉकी से, कबड्डी से, या क्रिकेट से थे, या फिर आपकी बैडमिंटन से थे? तो याद रखिए, ये हॉकी के खिलाड़ी थे। किसके? हॉकी के खिलाड़ी थे दोनों। किसके थे? हॉकी के खिलाड़ी थे SV सुनील और वीरेंद्र लाकड़ा, ठीक है। तो ये आप लोग, और आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रहे थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नजला बुडेन रोम धाने ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस, तुर्की, ट्यूनिशिया, नाइजीरिया। तो याद रखिए, ट्यूनिशिया की बनी हुई है पहली। देखिए, महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है। यहाँ कुछ आपसे क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ आपको। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में, अभी तक तो आप देखते हैं कि एक ही प्रधानमंत्री महिला बनी है, वो कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति की आपको बात करनी है, और प्रथम, ये कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, ये याद रखिएगा। और आपके राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन बनी थी, उस पर भी आप लोग बताइए नीचे कमेंट में। और आप लोगों को ये बताना है कि भारत में पहली बार किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, और दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी। ये आप लोग सभी सर्च करके, आपके पास गूगल है ही, गूगल भगवान है ना, गूगल बाबा, तो उसे सर्च करके नीचे लिखिएगा, ठीक है। और देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता हूं तो कम से कम आप लोगों को देना चाहिए, मुझे लगता है आंसर देना चाहिए। और ट्यूनिशिया आपको बता दूं कि उत्तरी अफ्रीका में एक स्वतंत्र देश देखने को मिलेगा, तूनिस इसकी राजधानी है, ठीक है। और फिर से आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं, अगर आप लोगों ने भूगोल हमारे साथ पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने मैप का पार्ट, जो मैप का सेक्शन होता है, इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। पूरा मैप का सहारा लेकर एक एक पॉइंट को हम लोगों ने देखा था। तो मैप्स के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, वहां जाकर आप लोग देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग मैप का सहारा लेकर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर स्कोर भी कर पाते हैं, आप लोग समझ भी पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 200 × 150 फिट, 225 × 125 फिट, 225 × 145 फिट, 225 × 150 फिट। तो याद रखिए, 225 × 150 फिट होगी इसकी। और ले आप सभी जानते हैं कि लद्दाख की राजधानी है, उत्तर, जब से आपका जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है, ठीक है। और इसे ध्वज को कहते हैं कि पूरा करने में 49 दिन लगे हैं। इसका वजन 1400 किलोग्राम है, और यह झंडा कुल 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर करता है, तो आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? मणिपुर, असम, सिक्किम, झारखंड, बताइए।
तो इसमें सिक्किम होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक प्रदूषण काफी नुकसान पहुंचाता है, तो इसे रोकने के लिए एक तरह से ये कदम उठाया जा रहा है। और सिक्किम के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम है सिक्किम, आप देखते हैं ना, इसकी सीमा आपने देखा होगा भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, इसकी सीमा आप देखते हैं चाइना से भी लगती है, तीन देशों से लगती है। इसे आपको मालूम होना चाहिए 10 अप्रैल 1975 को राज्य बनाया गया था। यहाँ आप लोगों को प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान। विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में आपकी 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किन दो वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2000 डेविड, इसमें डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन, वेलिजस दियोरो और अर्डेम पटापोटियन, डेविड जूलियस और मार्क पेंटोनम, माइक जूडो और लिम्पोर मार्स। तो याद रखिए डेविड और अर्डेम पटापोटियन होंगे इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक बात और बता दूं, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक हम लोगों ने क्लास ली हुई थी आपकी नोबेल पुरस्कार से संबंधित, स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस में डाला होगा, आपको वहां जाकर देखना है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, उस क्लास को कवर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इतिहास जो भी रहा है नोबेल पुरस्कार का, आपसे कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप हर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। और इन दोनों को, अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पट्टापोटियन को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया 2021 का, और उन्हें यह पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्डेम पट्टापोटियन को तापमान और स्पर्श के रिस्पेक्टर्स पर खोजों के लिए संयुक्त रूप से मेडिसिन पुरस्कार से नवाजा गया। और ध्यान दें कि पिछली बार ये पुरस्कार हार्वे जे वॉल्टर और माइकल हॉप टन को दिया गया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस भी को एक तरह से ये सभी शामिल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हर साल विश्व शिक्षक दिवस, देखिए विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है, पहले हम लोगों ने भारत राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बात की हुई थी, 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, बताइए। तो याद रखिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आप लोगों ने अगर पिछली क्लास देखी है तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भारत में, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। और दुनिया भर में आप देखिए शिक्षकों का महत्व बताने के लिए एक तरह से इस दिन को मनाया जाता है। और इस बार की थीम रही है शिक्षक, बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना, क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना महामारी के कारण क्या हुआ हाल, आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। तो ये आप लोग, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात हो रही है, शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना, इस बार का क्या रखा गया है थीम। 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक हुई जिसमें शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और रोजगार, आगे की शिक्षा के साथ गाइडलाइन बनाने की बात हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिश को पारित कर दिया था। और उसके बाद 5 अक्टूबर 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा था, ठीक है। और कई अलग अलग देशों में आप देखिए अलग अलग तारीख को भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। यहाँ आपका यूनेस्को की बात हुई है, एक आपका तीन संगठनों की बात हुई है, क्योंकि आपको संगठनों के बारे में इसलिए बता देता हूँ, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, हर क्वेश्चंस पेपर में आपके संगठनों से, चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, जैसे आप देखिए चुनाव आयोग या वित्त आयोग, इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। या फिर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखिए, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को के बारे में, या WHO के बारे में, WTO के बारे में, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। और इनके बारे में हम लोग एक सीरीज पूरी कवर कर चुके हैं, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, वहां जाकर आप लोग दे सकते हैं, बड़े विस्तार से हम लोगों ने बात की हुई है। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की यहाँ बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क में इसका USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा यूनेस्को का, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, किस फुटबॉल टीम ने डोरंड कप 2021 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने डोरंड कप 2021 का खिताब जीता है? केरला ब्लास्टर, एफसी गोवा, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, एफसी दिल्ली। तो याद रखिए एफसी गोवा ने, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सीओ कोरो मनावे क्लाउ क्लाउस हैसलमैन जियो जियोर्गी ओ फारसी को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये आपके सामने है, रसायन, भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र। तो बताइए। तो याद रखिए भौतिकी में दिया गया है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया? सीव कोरो मनावे और क्लाउस हेसलमैन और एक है आपकी जियोर्गी ओ पारसी। इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया और इन्हें जटिल फिजिकल सिस्टम को समझने के लिए जरूरी अहम खोजों करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। कौन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? कौन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? शेफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत। तो याद रखिए स्मृति मंधाना होंगी इसमें। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। इन्होंने 170 गेंदों पर पूरा किया था आपका। ठीक है, इसमें उन्होंने आपको बता दूं 18 तो चौके गाले थे, एक छक्का लगाया था, समझ रहे हैं? तो महिलाओं को आप लोग कम मत आंकिए, पुरुषों से आगे बढ़ रही कई क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? बताइए। डिजिटल मुद्रा है ये, राहुल द्रविड़, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और आपके सचिन तेंदुलकर। तो याद रखिए अमिताभ बच्चन होंगे इसमें। कौन होंगे? अमिताभ बच्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व अरविंद त्रिवेदी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? गणितज्ञ थे, अभिनेता थे या वैज्ञानिक थे, रेडियोलॉजिस्ट थे? तो याद रखिए अभिनेता थे। और आपको बताया ना कि 2020-21 अभिनेताओं के लिए बुरी साल रही है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये रामानंद सागर की पौराणिक टीवी शो आपने रामायण देखा होगा, इसमें रावण का किरदार निभाया था इन्होंने, अरविंद त्रिवेदी ने। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते होंगे रावण। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि रामायण हो या महाभारत हो, अगर आप लोग इन्हें देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए भी इसमें आपको मिलेगा। कौन दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका नागालैंड? तो इसमें याद रखिए हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। और हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 4 सीटें देखने को मिलेगी। कितनी? 4। ठीक, दिए गए FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है? बताइए। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है। बताइए किसे मिला है? रानी रामपाल, गुरजीत कौर, लॉरा वर्डन और सेवी हिच। तो याद रखिए गुरजीत कौर होंगी इसमें। ठीक है, और इसकी अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी पेरिस, फ्रांस में, और इसका हेडक्वार्टर आपको लुसाने, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा मुख्यालय। ठीक है, कई बार मुख्यालय से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, कई बार इसकी डेट भी पूछ लेता है कि कब हुआ था। बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है? भौतिकी, साहित्य, रसायन, अर्थशास्त्र। तो याद रखिए रसायन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में किन किन को? ए आपका एक तो जर्मनी के बेंजामिन मिन लिस्ट हैं और अमेरिका के डेविड मैकमिलन है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। और यह सम्मान उन्हें दोनों को एसीमेट्रिक ऑर्गिन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए एक तरह से दिया गया है। पितिवस विश्व कपास दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस की बात हो रही है, बताइए विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने डेट है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 8
अक्टूबर, तो याद रखिए 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। सी कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। और आपको बता दूं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कपास कपड़ा के उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और इसके अलावा इस क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। रखोगे या नहीं रखोगे? इसकी पहल की बात करें तो 2019 में हुई थी, जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादक देश बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, माली, जिन्होंने क्वार्टर फॉर के नाम से जाना जाता है, 7 अक्टूबर को विश्व व्यापार संगठन को विश्व कपास दिवस समारोह का प्रस्ताव भेजा था इन्होंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ विश्व व्यापार संगठन की बात हुई तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की बात हो रही है, बताइए इसमें कुछ बताओगे आप लोग कि नहीं बताओगे मुझे? देखिए इसमें 88वां है, 90वां है, 92वां है, 98वां है, आप लोगों को बताना है 90वां है। देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और इसे बात करें तो इसे जारी कौन करता है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक, समझ रहे हैं? तो ये आप लोग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित होता है। और आपको बता दूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट हर साल जारी करते हैं, और भारत इस लिस्ट में कितना है? 90वां स्थान है। जापान सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, भारतीय पासपोर्ट को 90वां स्थान मिला है, और पिछले साल भारत को 84वां स्थान मिला था। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपका पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, कितने बिना वीजा के आप लोग कितने देशों में घूम सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है साक्षी मलिक, कविता राणा, पूजा जाखड़, अंशु मलिक। तो याद रखिए अंशु मलिक होंगी इसमें। क्या होंगी? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है 21 की, अल्जारी फेलोलेनेक्स, फेनोलेक्स, रीडो मार्किनसन, आदिल फारूकी, अब्दुल रजाक गुरनाम, गुरना है, बताइए। तो याद रखिए अब्दुल रजाक गुरना होगा इसमें। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2021 के लिए इन्हें दिया गया है, और यह सम्मान उपनिवेश के प्रभावों, संस्कृतियों व महाद्वीप के बीच की गई खाई में शरणार्थियों की स्थिति के चित्रण के लिए एक तरह से इन्हें दिया गया है, इस नाम को याद रखिएगा। कौन आईपीएल में एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं, बताइए? कौन आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं 2008 में इसकी स्थापना की गई थी आईपीएल की। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, हर्षल पटेल और एक आपकी शार्दुल ठाकुर, तो याद रखिए इसमें हर्षल पटेल होंगे। क्या होंगे? हर्षल पटेल होंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। तो आपको बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग के 52वें मैच में बेंगलोर के तेज गेंदबाज हैं हर्षल पटेल, इन्होंने अपने नाम पर एक खास रिकॉर्ड किया है, और आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट यानी कि 29 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनने का इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया हुआ है? भारत में बैंडी वर्नर, जिम्मी तुलिस, मरीना डेविड, पेरी पेरी स्कोल्ड, बताइए कौन होंगे इसमें? वैंडी वर्नर होंगे,
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें, IFC भी कहते हैं आप लोग इसे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1956 में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। इसमें आपको क्या, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। मरिया रेसा और देमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य। तो याद रखिए शांति के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, याद रखिए इन्हें पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। ये नोबेल पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस की दमित्री मोराटोव को दिया गया है। ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए प्रयासों को देखते हुए एक तरह से दिया गया है। आप देखिए, आप लोग भारत में भी देख लीजिए, आप लोग आप अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो आपके खतरा रहता है आपको अपनी जिंदगी का, अपनी जान का। लेकिन याद रखिए आप सम्मान और आने वाले इतिहास में आप लोग जरूर लिखे जाएंगे, आप लोगों को जरूर सम्मान मिलेगा। आज तो आप देखिए अधिकतर मीडिया सरकारों की गुलाम बन जाती है एक तरह से। कौन व्यक्ति आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाओं के पहले महानिदेशक बने हैं? एपके खान, ई आर शेख, इशरत खान, वासे महमूद। बताइए आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? ई आर शेख बने हुए हैं इसमें, ठीक है। ई आर शेख यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रतिवर्ष डाक विश्व डाक दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस के बारे में आप लोग सुने हो? पहले आप देखिए, आज तो मोबाइल चल गया है, पहले चिट्ठियां लिखा करते थे, आती थी हमारे, आपने देखा होगा, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को या 12। तो याद रखिए 9 अक्टूबर को ये मनाया जाता है एक तरह से प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस। और आपको बता दूं, इस दिवस को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाने का उद्देश्य आम आदमी और कारोबारियों की रोजाना की जिंदगी सहित देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक क्षेत्र के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो इनोवेट टू रिकवर यानी बहाली के लिए नया परिवर्तन लाएं रखी गई थी इस बार की थीम, इस बार की, ठीक है। तो इस बार आप लोग याद रख सकते हैं, क्या करोगे, याद ही रखोगे और क्या कर सकते हो। विश्व डाक दिवस, सबसे ज्यादा डाक दिवस आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पहला डाक दस्तावेज कि जीवा डाक पहला डाक 255 ईसा पूर्व का है। आप समझ रहे हैं, मिस्र में पाया गया था, 255, आप समझ सकते हैं। और वैसे यूनाइटेड किंगडम ने इसे पहली बार 1840 में जारी किया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुरानी डाक व्यवस्था रही है। और पहले एक बात हमेशा याद रखिए, पहले हमारे पास इस तरह के कोई साधन तो हुआ नहीं करते थे, मोबाइल तो हम लोग उसी का प्रयोग करते थे, डाकिया के द्वारा भेजते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 13 अक्टूबर। तो याद रखिए इसमें 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। आजकल लोग आप देखते हैं मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से लेकर हिस्टीरिया, डिमेंशिया, फोबिया जैसी मानसिक बीमारियों के शिकार बने हुए हैं। और इन्हीं से एक तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसे मनाया जाता है। और इसकी थीम की बात करें तो एक आसमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य रखी गई थी इसकी थीम, 10 अक्टूबर को इसे मनाते हैं। ये आप लोगों को इसका मतलब याद रखना चाहिए, क्या चेक रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, मेरा मतलब यही है। और 7 अप्रैल को आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, WHO की एक तरह से स्थापना दिवस के रूप में, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, तो उसी की याद में एक तरह से मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग मेंटल हेल्थ डे के इतिहास की बात करें यानी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की, तो इसका शुरुआत 1992 से हुई थी। इसे यूनाइटेड नेशंस के उप महासचिव रिचर्ड हंटर वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर शुरू किया गया था। और 1994 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव थे यूजीन ब्रॉडी, इन्होंने
एक तरह से इसे शुरू की थी 10 अक्टूबर को मनाने की, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं 1994 से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के पहले राष्ट्रपति रहे अबोल हसन? बनी सदर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तुर्की के थे, युगांडा के थे, ईरान के थे, ओमान के थे, तो याद रखिए ईरान के थे। और ईरान के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईरान हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन हमारे एशिया जो महाद्वीप है इसमें पड़ता है, तेहरान इसकी राजधानी है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 9 तारीख को बालिका दिवस की बात हो रही है, 10 तारीख को, 11 तारीख को, या आपका 14 तारीख को? तो याद रखिए 11 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और एक तरह से इसका महत्व, बालिकाओं के महत्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी इस बार की थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपको बार बार समझाने के लिए यही इसीलिए मनाया जा रहा है कि आप लोग समझिए, कोई किसी से कम नहीं है इस आज के समय में, बेटा हो या बेटी हो। और विश्व भर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2021 को मनाया गया था, माफ करिए 2012 में पहली बार मनाया गया था, अभी हम लोग 21 में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? बड़ा अजीब नाम होते हैं इनके, साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति और चिकित्सा। तो याद रखिए इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी ने कितनी बुरी तरह से हमारे अर्थव्यवस्था को, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया हुआ है। डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को ये पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से। डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रसिद्ध प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा मिला है, दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से जोसुआ डी इंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को मिला है। उनके एक तरह से मैथेडोलॉजिकल योगदान के लिए एक तरह से दिया गया है उन्हें, तो इकोनॉमी में। किसी वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? आर्यभट्ट के बारे में आप लोग सुने हैं, गणितज्ञ थे, तो बताइए। के रमन चंदेल, जी सतीश रेड्डी, एम प्रणव गुप्ता और जी वरुण चोपड़ा, तो बताइए किसे दिया गया है? जी सतीश रेड्डी को, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी को उनके प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और पुरस्कार अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एक तरह से दिया गया है। देखिए अगर हम लोग एक तरह से रक्षा क्षेत्र की बात करें, रक्षा और अनुसंधान यानी कि जिसे आप लोग डीआरडीओ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीआरडीओ भी कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। वहीं हम लोग एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और आर्यभट्ट के बारे में बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था 476 AD में, और इनकी डेथ हुई थी 550 AD में, तो आप समझ सकते हैं गुप्ता ईरा के बाद आसपास इनकी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं? आशीष त्रिपाठी, राजेश निगम, अमित खरे, सुरेश चौधरी, तो याद रखिए अमित खरे बने हैं सलाहकार। आप देखिए देखिए हमारे देश में आपने देखा होगा कि नेता पढ़े लिखे होना आवश्यक नहीं है, और इसीलिए आप देखते हैं कि देश को अगर कोई चलाता है तो जो IAS अधिकारी होते हैं, जो इस तरह के अधिकारी होते हैं वही चलाते हैं, समझ रहे हैं? ये तो केवल प्रवचन देते हैं अपने, तो समझिए आप लोग। चलिए खैर आगे चल रहे हम लोग, किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो रही है, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अवनी लेखरा, रणदीप सिंह गुलेरिया, तो रणदीप सिंह गुलेरिया को दिया गया है।
रणदीप सिंह गुलेरिया को दिया गया है, समझिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार, अच्छा तो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो देश या विदेश में रहने वाले किसी विदेश प्रतिष्ठित भारतीय को उस पेशेवर अनुक्रम और लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामले प्रबंधन, कला और संस्कृति, शिक्षा और संस्थान निर्माण, खेल के क्षेत्र में एक तरह से दिया जाता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। कौन है? रणदीप सिंह गुलेरिया, इन्हें आप लोग जानते होंगे। चिकित्सा और महामारी जागरूकता के क्षेत्र में उनके काम के लिए एक तरह से दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के निदेशक हैं लाल बहादुर। प्रथम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया था प्रोफेसर सी के प्रहलाद को, ठीक है। वही अगर हम लोग देखिए लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बात करें तो इनके बारे में भी जान लेना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पता है कि नहीं रहे हैं? और 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था और 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में इनकी एक तरह से उज्बेकिस्तान में इनकी डेथ हो गई थी। और आप देखिए कि एक अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। कहते हैं कि एक तरह से इनकी इनके बारे में बहुत रोचक कहानियां हैं कि ये इस तरह के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं कि जब शपथ लेने जा रहे थे तो इनकी कमीज फटी हुई थी, तो इनकी पत्नी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आप कमीज तो बदल लीजिए कम से कम। तो इनका जवाब रहा कि हमारे देश के किसानों की हालत, उस समय आपने देखा है कि खाद्यान्न की स्थिति बहुत बुरी स्थिति थी हमारे देश में, खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था देश। तो इन्होंने कहा कि वो किसान हमारे देश के फटी हालत में, हम कैसे इस तरह सज धज सकते हैं। फिर कहते हैं कि इनके बारे में एक और कहानी दिलचस्प है कि इनके बच्चों ने जिद की कि अब पिताजी आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आप एक गाड़ी तो खरीद लीजिए। तो एक किस्तों पर गाड़ी खरीदते हैं और ये उसे अपने जीते जी उस गाड़ी की किस्त पूरी नहीं कर पाते। ऐसे प्रधानमंत्रियों के कारण आप देखिए हमारा देश यहाँ पहुंचा हुआ है। आज तो आप लोग सरपंच साहब को देख लीजिए, एक बार सरपंच ही आती है वो फॉर्चूनर और सफारी से नीचे गाड़ी नहीं खरीदता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन गांव का विकास क्या होता है आप सभी लोग बेहतर जानते हैं। खैर छोड़िए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जनता वैसे ही और नेता भी वैसे ही। जनता भी जागरूक नहीं हो रही और नेता भी, नेता कहाँ से होंगे, उन्हें वो तो मालम माल है। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की हुई है बिना ड्राइवर की? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, रूस। तो याद रखिए जर्मनी ने की हुई है। हमारे देश में कब आएगी ये हम लोगों को देखनी होगी। कंप्यूटर आप सोचिए, बर्लिन किसकी राजधानी है? किसकी? जर्मनी की, समझ रहे हैं। और यूरोप महाद्वीप में एक देश है आपका। हमारे देश में भी अगर शिक्षा पर चुनाव होने लगे, शिक्षा तकनीक, तो हम भी इसी तरह तरक्की करेंगे। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीति में चुनाव और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो याद रखिए हरियाणा होगा इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरियाणा के बारे में बात अगर हम लोग करें तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 को इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। विधानसभा सीटें 90 हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन व्यक्ति एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के नए CEO बने हैं? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO बने हुए हैं रविंदर सिंह प्रजापत, अरुण कुमार मिश्रा, अशोक कुमार मीणा, बहादुर सिंह देवगौड़ा। तो याद रखिए इसमें क्या होंगे, आपके अरुण कुमार मिश्रा होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और याद रखिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ है। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, समझ रहे हैं। मध्य यूरोप में पड़ता है, वेना इसकी राजधानी है एक तरह से। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, फिर आप लोग भूल जाएं, वेना इसकी राजधानी वेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा को 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया? गर्भपात की बताइए, 21 हफ्ते, 22 हफ्ते या 24 हफ्ते या 27 हफ्ते? तो इसमें 24 हफ्ते रख दिया गया गर्भपात।
ये आप लोग याद रख सकते हैं। एक तरह से आप देखिए, गर्भ में जो आप देखिए भ्रूण को निष्कासित करना, यानी कि उसे एक तरह से हटाना, समाप्त करना, ठीक है, 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 कर दिया है, ये आप लोग याद रखिएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, नियम 2021 के मुताबिक एन कैटेगरी में यौन उत्पीड़न, रेप, दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले अगर 12 हफ्ते के अंदर गर्भपात कराना होता था तो इसके लिए एक डॉक्टर की राय की जरूरत होती थी, और अगर ये 12 से 20 सप्ताह के बीच किया जाता था तो 2 डॉक्टरों की राय की जरूरत पड़ती थी। अब देखिए हमारे देश में आप सभी जानते हैं रेप होते रहते हैं, यौन उत्पीड़न होते रहते हैं, दिव्यांग महिलाओं के साथ रेप होते रहते हैं, या फिर आप देखिए किसी और प्रॉब्लम से अगर कोई गर्भ में बच्चा आ चुका है और आप देखिए वो प्रॉब्लम में है या उसमें कुछ कमी है, तो उसे हटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक तरह से, समझ रहे हैं आप, देखिए इसका इस तरह की समय रखा गया है कि कोई अगर प्रॉब्लम है, महिला को प्रॉब्लम है तो वो उसे गर्भपात करा सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुने गए। आप सभी देख रहे हैं कि हर महीने चुने जाते हैं, महिलाएं भी चुनी जाती हैं इसमें और पुरुष भी चुने जाते हैं। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके बारे में बता चुका हूं कि इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अहमद शहजाद है, संदीप लमिछाने हैं, साकिब अल हसन है, एडन मार्करम है, तो याद रखिए संदीप लम्बी छाने हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए पुरुष की बात हो चुकी है तो महिला की होनी बात है। कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुनी गई है? हीथर नाइट, हमी हंटर, शशिकला श्रीवर्धने, झूलन गोस्वामी, तो याद रखिए हीथर नाइट होंगी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है? बताइए सबसे कम उम्र में शतक लड़ाने करने वाली एक तरह से खिलाड़ी बनी हुई है, स्टेफनी टेलर, मैताली राज, एमी हंटर, सना मीर, तो याद रखिए इसमें एमी हंटर होंगी, एमी हंटर होंगी इसमें। ये आप देखेंगे 121 रन बनाते हुए आयरलैंड की एमी हंटर ने सबसे कम उम्र में एक तरह से शतक जड़ाया, और 16वें जन्मदिन के मौके पर एक तरह से एक कारनामा इन्होंने दिया है, 16 साल में आप समझ सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूं महिलाएं कहीं कम नहीं है, उन्हें मौका तो दिया जाए। कौन भारतीय व्यक्ति वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के WSA के नए चेयरमैन बने हैं? बताइए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं, प्रदीप जिंदल, अरुण सेट्टी सेट्टी और रणवीर गोस्वामी, सज्जन जिंदल, तो याद रखिए सज्जन जिंदल होंगे इसमें, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। 10 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, बेल्जियम में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को वर्ष 2021 का विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है? विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 17 अक्टूबर, बताइए आप लोग कब मनाया गया है? तो याद रखिए 14 अक्टूबर को ये मनाया गया है, कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है, समझ रहे हैं आप लोग, विश्व दृष्टि दिवस की बात हो रही है, 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर को इसे मनाते हैं, और यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ठीक है, और इस बार की थीम रखेगी अपनी आंखों से प्यार करें, और इसका उद्देश्य यही कि अंधापन के साथ साथ दृष्टि संबंधी समस्याओं के बारे में लोग जागरूक रहे, ठीक है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अब आप देखिए कि हमारी स्थिति कितनी बुरी है हंगर भुखमरी में, आप समझ रहे हैं, इसमें आप लोगों को मालूम चलेगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात हो रही है, 100वां, 101वां, 104वां, 107वां, तो याद रखिए 101वां है हमारा, इसमें हमारा नंबर कितना है, 101वां है, और याद रखिए इसमें आपको बता दूं कि 116 देशों को शामिल किया गया था,
अब आपसे पूछता हूँ कि देखिए 116 क्लास में आपकी बच्चे हैं, एक क्लास में आपकी जिसमें आप लोग पढ़ते हैं 116 बच्चे हैं, और आपका स्थान उसमें से 101 बा है। अब आप बताइए कि आपकी स्थिति ठीक है या सबसे बुरी है लगभग। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बुरी स्थिति है, आप लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। और इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल थुंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, और इसमें गणना जब इसकी की जाती है तो याद रखिए चार संकेतक इसके आधार पर की जाती है। अल्प पोषण जिसमें अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम हो, ये तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड स्टैंडिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिसमें आप देखते हैं वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है, या कुपोषण को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो मृत्यु दर होती है उसी पर के आधार पर एक तरह से दर्शाया जाता है। तो भारत देख भी सकते हैं आप लोग, सबसे बुरी स्थिति हमारी लगभग आप कह सकते हैं। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई मान लो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को। और पहली बार 2006 में जारी किया गया था, ये 16वां संस्करण था इसका, समझ रहे हैं आप लोग। भारत तो 101 पर रहा है, अगर हम लोग पड़ोसियों की बात करें तो 76वें नंबर पे लगभग, बांग्लादेश भी 76, पाकिस्तान हमारा 92 नंबर पे है, हमसे अच्छी स्थिति में है। अफगानिस्तान 103वें नंबर पे है। तो आप समझिए कुछ आप लोगों को सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि इस बारे में सरकारों से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आप लोग भूख देखिए कोरोना महामारी की चलिए वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी थी, उस टाइम तक लोगों की मौत होना स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन आप लोग सोचिए जिसकी हमारे पास वैक्सीन है, दवाई है, उसे हम लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब भूख की दवाई क्या है, खाना उपलब्ध कराइए, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो याद रखिए इसमें चेन्नई सुपर किंग्स होगी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। IPL के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि IPL आप लोग देखते हैं ना, तो इसकी 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, 2008 से हो रहा है और चेन्नई सुपर किंग्स ने इसे जीता हुआ है। और दुबई में खेले गए फाइनल में मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया था। और आपको बता दूं चेन्नई सुपर किंग्स का ये चौथा IPL खिताब है, इससे पहले चेन्नई ने 2010, 2011, 2018 में भी IPL ट्रॉफी अपने नाम की हुई है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 2012 और 2014 में इसने IPL का खिताब जीता था, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, NC चौधरी, MS बंसल, AK गोयल, PG कमल नाथन। तो याद रखिए AK गोयल होंगे इसमें, क्या होंगे, AK गोयल साहब होंगे आपके। और भारतीय बैंक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिससे पहली बार मनाया गया था 1978 में, 1981 में, 1988 में, 1994 में, बताइए। देखिए विश्व खाद्य दिवस मनाने का उद्देश्य सीधा सा यही है कि लोगों को खाद्यान्न तो कम से कम मिले, आप देखिए वो भूख से तो ना मरें, समझ रहे हैं, और लोगों की मदद करना, भुखमरी से बाहर निकालना। और ऐसे पहली बार 1981 में मनाया गया था, ठीक है, और 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस साल की थीम की बात करें तो हमारा कार्य ही हमारा भविष्य, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतरीन जीवन, इस बार की थीम रखी गई है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO बने हैं, अभिमन्यु गोयल, रितेश चौहान, राकेश त्रिपाठी, आदित्य सेन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आप देखते हैं कि अगर फसल आपकी खराब हो जाती है तो आपको एक क्या मिलता है, बीमा मिलता है, समझ रहे हैं, उसी की बात की जा रही है। तो बताइए इसमें कौन है, कौन है, रितेश चौहान होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कौन हो क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, PM किसान, PA प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? ये आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, और पूछना चाहिए। 2016 में आपने देखा होगा, 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था इसे। ठीक है, चलिए इसे याद रखिए। इस तरह की देखिए, जो भी आपकी स्टेट यानी कि राज्य लेवल की योजना होती हो, या आप देखिए सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार की योजना हो, उन्हें आप लोग याद रखा करिए, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस देश की फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता हुआ है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाल, मालदीव, भारत, बांग्लादेश, तो किसने जीता हुआ है? भारत ने जीता हुआ है, हमारा प्यारा भारत। अब भारत के बारे में आपको अगर बात बताऊं, तो आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, समझ रहे हैं, न्यू दिल्ली है। अभी हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी साहब हैं, और अगर हम लोग राष्ट्रपति साहब की बात करें तो रामनाथ कोविंद साहब हैं, और अगर हम लोग आज़ादी की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। दो डेटें और आप लोगों ने सुनी होगी, एक तो 26 नवंबर, एक 26 जनवरी। तो याद रखिए, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, 21वें नंबर की? इसमें रेणु गुप्ता, अंशिका दास, प्रीति चौधरी, दिव्या देशमुख। तो याद रखिए, दिव्या देशमुख होंगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, इसमें क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। और 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं, और आपको बता दूं कि दिव्या ने 9 राउंड में 5 अंक बनाए और 2452 रेटिंग की अंक हासिल किए, और वह अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने से एक नॉर्म, एक तरह से दो। चलिए, खैर आप लोग 21वीं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं? अहमद शाह अहमद जई का 78 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हो चुकी है, और आप देखिए ये देश काफी चर्चा में रहा है, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, बांग्लादेश। तो याद रखिए, अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं आप लोग तालिबानों का कब्जा हो चुका है, इसकी राजधानी काबुल है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? रजिया बानो, फातिमा बानो, शहनाज बानो, शहनाज खान, जेबा खान। तो याद रखिए, फातिमा बानो बनी हुई है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लद्दाख को आपको मालूम होगा कि 31 अक्टूबर 2019 में से एक तरह से आपका जम्मू कश्मीर से लगकर के राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी लेह है। ठीक है, यहाँ दो जिले हैं आपके, लेह और कारगिल, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये आप देखते हैं कि चाइना जो आपका है, चीन, ये यही आपका बवाल मचाए हुए है, हमारे उस पर कब्जा की करता रहता है, झड़प होती रहती है, हमारे कई सैनिक इसमें शहीद भी हो गए थे। किस देश की पूर्व क्रिकेटर बंदुला बर्णापुरा का 68 वर्ष की उम्र में डेथ हो चुकी है? इनकी पूर्व क्रिकेटर थे, तो ए श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए, श्रीलंका के थे। कहाँ के थे? श्रीलंका के। आप सभी जानते हैं कि पाकजल्लमरू है या मन्नार की खाड़ी हो, ये श्रीलंका को हमसे अलग करती है, भारत से अलग करती है, और श्रीलंका से श्री रावण, रावण का आप लोगों ने देखा होगा नाम भी जुड़ाव रखता है, सांस्कृतिक संबंध हमारे मिलते जुलते हैं काफी हद तक। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम मेरे नाम नामक योजना शुरू की हुई है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, या फिर आपका उत्तर प्रदेश, बताइए। तो ये पंजाब सरकार ने शुरू की हुई है। क्या की हुई है? पंजाब सरकार ने मेरे घर मेरे नाम, मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की हुई है। और इसमें अगर बताएं तो चरण सिंह जी, सिंह चन्नी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने गांव और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की हुई है। और आपको बता दूं कि लाल लकीर के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती है, और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, और अब इस जमीन की रजिस्ट्री होगी, और 15 दिन आपत्ति दर्ज करने का समय भी मिलेगा। और पंजाब की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए पंजाब के बारे में, 1 नवंबर 1966 को इसे राज्य बनाया गया था, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है,
और यहाँ के मुख्यमंत्री की बता चुका हूँ कि वर्तमान में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिल जाएंगी। पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने हुए। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की बात हो रही है, NRDC की बात हो रही है। रंजीत सिंह गोयल और मोहित चहल, अशोक खंडल, अमित रस्तोगी। तो याद रखिए अमित रस्तोगी होंगे इसमें, क्या होंगे, अमित रस्तोगी। ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना 1953 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति भारतीय भारोत्तोलन संघ की नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष बने हैं, आदित्य निगम, सहदेव यादव, सुरेश चौधरी, जगदीश महाजन। तो याद रखिए इसमें सहदेव यादव होंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें बी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे, सोचे समझे नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, सोच के लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन व्यक्ति म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय MFI के नए अध्यक्ष बने हैं। पी चतुर्वेदी, एल बाला सुब्रमण्यम, डी के माथुर, के जायसवाल। तो याद रखिए ए बाला सुब्रमण्यम होंगे इसके, ठीक है। म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष होंगे, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि AMFI यानी कि म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय की स्थापना 22 अगस्त 1995 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जारी वर्ष 2021 की वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट की बात हो रही है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, 71वां, 73वां, 78वां, 89वां, बताइए। तो याद रखिए इसमें हमें 71वां स्थान मिला है, कौन सा, 71वीं नंबर पर हम लोग रहे हैं। और भारत को 113 देशों के बीच 71वां स्थान मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी बुरी है। और पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हम लोग पीछे हैं, समझ रहे हैं। तो ये स्थिति है, कब सुधरेगी ये स्थिति मुझे यही समझ में नहीं आता है। और वैश्विक हमारी सूचकांक में आप लोग देख चुके हैं 101वें स्थान पर हम लोग हैं। और अगर हम लोग वैश्विक खाद्य सुरक्षा की बात करें तो लंदन स्थित एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट है, इसके द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है। और ये आपका इसमें आप देखिए खाद्य सुरक्षा को जो तैयार किया जाता है इस रिपोर्ट को, तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता, सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन, इस रिपोर्ट को याद रखा जाता है। और इस प्रदर्शन में अपने पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान 75वें स्थान पर है, श्रीलंका 77वें, नेपाल 79वें स्थान पर, बांग्लादेश 84वें स्थान पर और चीन आपका 34वें स्थान पर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुछ बिंदुओं में हम लोग पाकिस्तान से पीछे हैं, कुछ में आगे हैं। हमें पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात देखिए पाकिस्तान की क्या औकात है, हमें तुलना करनी है तो अपने पड़ोसियों से छोड़िए, अमेरिका से करिए, चाइना से करिए, ठीक है। लेकिन हम लोग तुलना करते हैं सबसे कमजोर से, वही हाल है कि अपने बच्चे की तुलना आप लोग स्कूल में किसे सबसे कमजोर बच्चे से करिए। प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व आयोडीन नमक अल्पता दिवस 20 तारीख को, 21 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, बताइए कब मनाते हैं। तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं, कब, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। और इसलिए कि देखिए आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के प्रभाव और इसके नुकसान के बारे में जागरूक करें लोगों को, ठीक है। नमक के बिना मुझे लगता है शक्कर के बिना हम लोग रह लें, लेकिन आप देखिए इसके बिना मुझे नहीं लगता है, संभव लगता है कभी कभी आयोडीन के यानी कि नमक के बिना कभी रहे बहुत मुश्किल रहता है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, मानसिक बीमारी भी होती है इससे, तो आप लोग सोच सकते हैं, नमक के प्रति जागरूक रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, WJP द्वारा वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है।
WEP द्वारा, WJP द्वारा कानून सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है बताइए। हाँ इसमें 73वां, 79वां, 88वां, 97वां, तो याद रखिए 79वां मिला हुआ है। क्या 79वां मिला हुआ है। अगर हम लोग हाल ही में एक तरह से इस सूचकांक जारी किया गया था, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और इस सूचकांक में अगर हम लोग बात करें तो भारत को 139 में से 79वां स्थान मिला है और भारत का स्कोर रहा है 0.50 अंक। ठीक है, चलिए आप लोग याद रखिएगा ऐसे। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड को टॉप पे हैं ये, समझ रहे हैं आप लोग, ऊपर से टॉप कर रहे हैं, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं एक तरह से आप कहिए। किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की हुई है? किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरुआत की हुई है? आपके सामने मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, तो याद रखिए मध्य प्रदेश। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे आदिवासी, समझ रहे हैं। और आपकी MPPSC में कई बार क्वेश्चंस भी बहुत बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं आदिवासियों से। और इस योजना के उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो इस योजना से जनजातीय परिवारों को लाभ मिल सके, मुख्यालय गांव को छोड़कर दुकान से जो गांव है वाहन के माध्यम से परिवहन कर राजस्व सामग्री का वहां तक पहुंचाना, लोगों खाना खाना तो जरूरी रहता है ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इसकी राजधानी भोपाल है, 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य बनाया गया था और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ विधानसभा 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल में ही किसी टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण की बात हो रही है। KK बंसल, RP शर्मा, PK गर्ग, MS बिरला, तो याद रखिए इसमें PK गर्ग होंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बताइए। आपके सामने ऑप्शन चार हैं, अवनी लेकरा, PV सिंधु और दीपिका पादुकोण, सनी लियोन, सनी लियोनी, सनी लियोन बताइए। तो याद रखिए दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। और आप सभी जानते हैं कि एडिडास जूते भी बनाता है, पर्स मर्स बनाता है, समझ रहे हैं, एक कई तरह के सामान बनाता है। और 18 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, पता है, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। जूता का भी फेमस रहते हैं इसके, आप लोग खरीदते भी होंगे। किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय सस्ते दबे दर में दवाएं हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की हुई है? किस राज्य सरकार ने सस्ते दर में दवाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की हुई है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम, तो याद रखिए इसमें छत्तीसगढ़ होगा, क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। और आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 की बात है। इसकी राजधानी रायपुर है, इसे आप लोग रायपुर, नया रायपुर, अटल नगर के नाम से जानते हैं। और ये भूपेश पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल, और विधानसभा 90 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निदेशक और समूह CEO बने हैं? ICRA के नए प्रबंध निदेशक और समूह CEO बने हुए हैं। और इसमें अगर बात करें हम लोग तो अरविंद गोस्वामी, रामपाल सिन्हा और तारा चंद वर्मा और रामनाथ किशनन, तो याद रखिए इसमें रामनाथ किशनन होंगे। और इसकी अगर हम लोग बात करें ICRA की, तो ये सभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 16 जनवरी 1991 को इसकी स्थापना की गई थी और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस पोलियो को पिया भी होगा, समझ रहे हैं, पोलियो की दवा ड्रॉप पी हुई होगी।
20 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को। तो याद रखिए 24 अक्टूबर को मनाया, कब? 24 अक्टूबर को। और पोलियो, एक तरह से लोगों को पोलियो बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए। और भारत की तो साल 2014 में आपने देखा होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, WHO भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग कहते हैं, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये आप लोग, इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, ये थीम काफी पूछ लेती है आपसे। तो पोलियो टीकाकरण, पोलियो उन्मूलन के जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस इस बार की थीम रखी गई है। चौबीस तारीख को। और इसके इतिहास की बात करें तो विश्व पोलियो दिवस मनाने की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल ने की थी। इसकी शुरुआत पोलियो टीका की खोज करने वाली टीम के सदस्य जोनाक साल के जन्मदिन पर की जाती है। तो जोनाक साल को आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। पोलियो वैक्सीन की खोज साल 1955 में हुई थी। और पोलियो संक्रमित के सबसे अधिक मामले साल 1980 में देखे गए थे। समझ रहे हैं? तो ये आप लोग, और इसी साल अगर भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत की बात करें तो 1995 में हुई थी भारत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ये कौन थी? अभिनेत्री थी, लेखक थी, पत्रकार थी, या न्यूरोलॉजिस्ट थी? तो याद रखिए अभिनेत्री थी। अभिनेता और अभिनेत्री के लिए साल 2019, 20, 21 बुरा रहा है। और इनकी, देखिए आपको बता दूं कि ये बॉलीवुड की दिग्गज कलाकार और कॉमेडियंस महमूद की बहन थी। और 26 अप्रैल 1942 में इनका, मीनू का जन्म हुआ था। घर घर में दीवाली से इन्होंने डेब्यू की हुई थी। ये फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी, आपको मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस राज्य में IVF तकनीक से भारत का पहला भैंस का बच्चा पैदा हुआ है? IVF तकनीक से भैंस का पहला बच्चा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात? तो याद रखिए गुजरात में हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजर्स के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप कहेंगे कि गुजरात के बारे में बताइए, इस तकनीक के बारे में बताइए, तो इसके बारे में बताएं अगर हम लोग, तो कृत्रिम गर्भाधान, भारत में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक भैंस का गर्भाधान किया गया और पड़ा, यानी कि बच्चे ने जन्म लिया। और आपको बता दूं कि एक प्रयोग गुजरात की मशहूर भैंस की नस्ल बन्नी पर किया गया है। गुजरात के सोमनाथ जिले के सुशीला एग्रो फार्म्स पर पहला IVF बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस 6 बार IVF गर्भाधान के बाद पैदा हुआ है। यह फार्म सोमनाथ जिले के धनेज गांव में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको कितनी? 26 सीटें देखने को मिलेगी। जो वर्तमान में आपके होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री हैं दोनों गुजरात से आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, चलें। लखनऊ और अहमदाबाद में IPL की दो नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें हो चुकी हैं? 8, 10, 12, 11। तो याद रखिए 10 कितनी हो चुकी हैं? 10 हो चुकी हैं, 10। 10 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तराखंड 10 हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रो तेईबू का 88 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो चुकी है, कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया, ताइवान, फिलीपींस? तो याद रखिए दक्षिण कोरिया के थे। उत्तर कोरिया के होते तो अलग बात होती, लेकिन दक्षिण कोरिया तो ठीक है, आप सभी जानते हैं उत्तर कोरिया बहुत बुरी स्थिति में है। आप समझते हैं ना, एशिया में ही है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया दोनों। सियोल इसकी राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? अब आप सोचिए कि मैंने बताया था ना कि एक बहुत दिन दूर नहीं है जब भारतीय मूल के लोग कहीं प्रधानमंत्री होंगे, कहीं राष्ट्रपति होंगे। समझ रहे हैं? सीमा राव, अंजुम खन्ना, अनीता आनंद और दीप्ति पांडे? तो याद रखिए अनीता आनंद होंगी इसमें।
अनीता आनंद भारतीय मूल की महिला हैं, ये कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं। कनाडा आप लोग जानते हैं कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलता है ना देश, और यहीं आपको देखने को मिलेगा, ओटावा इसकी राजधानी है कनाडा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 3500 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। तो याद रखिए 5000 किलोमीटर है इसकी अग्नि 5 की, कितनी 5000। और भारत ने सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, ये आप लोग याद रखिएगा। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसे लॉन्च किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर बैंक के अगले MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, बताइए, जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं, मुकेश चावला, हरमनदीप सिंह, विराट चौकसी और बलदेव प्रकाश। तो याद रखिए बलदेव प्रकाश होंगे इसमें, जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD और CEO। और इसकी बात करें तो देखिए 1 अक्टूबर 1938 में हुई थी इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर में देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कई लोगों ने तो इसका पहली बार नाम सुना होगा। यूपी सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है, आपको बताया है कि देखिए नई सरकारें आती हैं वो नाम बदलने का काम करती हैं, अब फिर सोचिए आप सरकारें बदलेंगी तो नाम ही बदलते रह जाएंगे, और मेरा मानना है कि देखिए नाम बदलने की जगह उसमें अगर क्वालिटी सुधार किया जाए, उसमें व्यवस्थाएं सुधार किया जाए तो लोगों को फायदा मिले, अयोध्या कैंट, अयोध्या प्लस और श्री राम पैलेस और हनुमान कैंट। तो याद रखिए इसमें अयोध्या कैंट रखा गया इसका नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, शौकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तर्कमेनिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, कजाकिस्तान के या तजाकिस्तान के। तो याद रखिए उज्बेकिस्तान के बने हैं, उज्बेकिस्तान आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, कुछ ही दूर हमारे पड़ोसी है, एक तरह से हमारे पड़ोसी में ही पड़ता है ये, आप देखेंगे चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, एशिया का केंद्रीय भाग में देखने को मिलेगा, ताशकंद इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर रखा गया है, और जिस पे आप लोग काफ़ी टाइम व्यतीत करते थे फेसबुक पर, अभी भी करते हैं, बंद थोड़ी हुई, DCA HEPY मेटा, और या फिर डॉट DOT। तो याद रखिए मेटा रखा गया है इसका नाम। और फेसबुक की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब आया था ये अस्तित्व में, फरवरी 2004 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया USA में देखने को मिलेगा, इसके CEO मार्क जुकोबर्ग हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि उसमें उन्होंने बनाया, वो पैसे कमा रहे हैं, हम लोग वहाँ उस पर टाइम पास कर रहे हैं। कौन व्यक्ति पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के नए निदेशक बने हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए निदेशक बने हैं, राजीव रंजन झा, मुकेश एस सिन्हा, अजीत चंदन दास, दिनेश राम ठाकुर, बताइए। तो याद रखिए राजीव रंजन झा इसमें बनाए गए हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो 16 जुलाई 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, और मुझे लगता है कि आप देखिए कि इंटरनेट एक तरह से हमारी ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण है, एक तरह से हिस्सा बन चुका है कि आप देखिए इसके बिना रहना बड़ा मुश्किल होता है, सीधी सी बात समझ रहे हैं आप लोग, 29 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को। तो याद रखिए 29 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को मनाते हैं आप लोग इसे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, और इसका पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था, और उस समय इंटरनेट को अर्फा नेट कहते थे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के नाम से आप लोग जानते थे, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और एक तरह से आप देखिए इसकी शुरुआत इंटरनेट की 1969 में परमाणु युद्ध होने के दौरान हुई थी, जिसमें अमेरिका में सेना के कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था, जिसे युद्ध के दौरान सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता था। और आज तो आप देखिए कितनी तकनीक बदल चुकी है, कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस की बात हो रही है। एक दिन आप लोग इंटरनेट से दूर रहिए, मालूम चल जाएगा कि ऐसे लगने लगता है कि हम लोग दूसरी दुनिया में कहीं पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है, देहरादून, चमोली, हल्द्वानी, हल्द्वानी और हरिद्वार।
तो याद रखिए हल्द्वानी होगा इसमें, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआ के वन अनुसंधान केंद्र में भारत की पहली सुरभि वाटिका तैयार की गई। आपको बता दूं कि 3 एकड़ क्षेत्रफल में इसने तैयार किया गया है और एरोमेटिक गार्डन में 140 सुगंध प्रजातियों को लगाया गया है और इनसे बनने के प्रजातियों के संरक्षण और शोध जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अजीविका से जुड़े कार्यों में यह मददगार साबित होगा। इस वाटिका को 9 हिस्सों में तैयार किया गया है। और वहीं अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, 9 नवंबर सन 2000 में, और देहरादून इसकी राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बताइए कुछ आप लोग, मैं ही बताता रहूँ कि आप ही बताएंगे कुछ। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डॉक्टर कृष्णन नायर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, मौत हो चुकी है, एक कौन थी, ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायक, शायर। तो एक तो मुझे समझ में आ गया कि डॉक्टर तो हैं, तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या होगा, एक कैंसर के इलाज के मामले में भारत के सबसे बड़े दिग्गज में से एक एम कृष्णन नायर थे, ठीक है। और कैंसर के इलाज के लिए राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार भी रहे थे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बबारे में कई बार हम बात भी कर चुके हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा WHO का। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 31 अक्टूबर को किसकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है बताइए। और आप देखिए देश को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप सभी जानते हैं कि इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और 15 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। पहले हमारे होम मिनिस्टर भी रहे, पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे, समझ रहे हैं, एकता दिवस। और याद रहे कि 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी दिवस यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की बात हुई है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, रखना चाहें तो, और रखना चाहिए, फिर परीक्षा में आओगे तो क्या करोगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने, NCLAT के, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन है इसमें, नरेश गौतम, विमल शर्मा, गजेंद्र त्रिपाठी, अशोक भूषण। तो याद रखिए इसमें होंगे अशोक भूषण, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और देखिए राष्ट्रीय अगर हम लोग नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, तो इसकी स्थापना 1 जून 2016 में हुई थी, ठीक है। तो ये कहानी रही है आपके अक्टूबर महीने की, जो करंट अफेयर्स की घटनाएं रही हैं उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पर हम लोगों ने एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखा हुआ है। चलिए हम लोग तब तक आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, हम लोग नवंबर महीने की जो भी घटनाएं रहेंगी उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग। थोड़ा टाइम लंबा रहता है लेकिन आप लोग बड़े अच्छे से एंजॉय करते रहिए।